हमने बात की थी पल परिचय के संबंध में, जिसमें हमने ये जाना था कि पल परिचय के कौन कौन से प्रकार हैं और किस प्रकार उनका हमें परिचय देना है। आज हम एक एक अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पल परिचय का जो पहला भाग है, संज्ञा शब्द का पल परिचय, उसके बारे में बात करेंगे। समझते हैं।
उसको नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में संन्यास करना विशेषण क्रिया अवयव नहीं, बल्कि इनका क्या देना है आपको, परिचय देना है, याद रखना कि वाक्य के अंदर इनके क्या महत्व है। हम वाक्य लेते हैं, रमेश ने राजेश को पत्र लिखा। इस प्रकार से ब्लैंड होगी रमेश किसी एक शब्द, यहां मैं तीनों के नीचे कर रहा हूं, तीन अपन पर परिचय देंगे, यहां इस प्रकार का वाक्य होगा किसी एक शब्द के नीचे रेखा खींची होगी, वहां पर तो एक एक नंबर के दो वाक्य दिए होंगे और दोनों का आपको अलग अलग पद परिचय देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी रमेश शब्द की। हम जानते हैं किसी व्यक्ति का क्या है, ये नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। फिर हम बात करते हैं कि वाक्य पूरे के अंतर्गत देखो कर्ता का काम कौन कर रहा है और कर्म का काम कौन कर, ये द्विकर्मक का है क्योंकि इसके अंदर कर्म कितने हैं, दो है, तो रमेश जो है वो क्या कर रहा, लिखने का काम कर रहा, तो कर्ता कौन हुआ, रमेश हुआ। उसके अलावा पहले ये दो कर्ता कारक, फिर रमेश के अंदर वचन कौन सा है, ध्यान रखना हिंदी के अंदर वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और लिंग भी दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संस्कृत की तरह नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता और द्विवचन हिंदी में नहीं होता। तो वचन कौन सा है, एक वचन, और किसी व्यक्ति के अंदर देखो यहां दो ही बातें, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। अब रमेश ने पत्र लिखा, आगे देखो ये क्रिया भी किस रूप में, पुल्लिंग के रूप में ही है, अगर यहां स्त्रीलिंग होता तो यहां लिखी होता, इसका मतलब ये किसका शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है। एक दो तीन और चार, कम से कम तीन आपको लिखने हैं जिसके अंतर्गत ये बात लिखना अनिवार्य है। जब तक आप इसका मूल परिचय नहीं दोगे ये शब्द है किसका, तब तक आपका पद परिचय अधूरा है, ध्यान रखना। अब दूसरी अपन बात कर लेते हैं इसकी, राजेश उस पर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो
यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, सर्वनाम से कौन से बन रहे हैं, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, किसी से अलग अलग जो शब्द बन रहे हैं वो सारे के सारे मैंने अलग अलग बना करके दिए उसने से वो राम का तो आप लिखी लोगे वही स्मृति की शक्ति का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्ता कारक एवं जवाब बोले सेवा शब्द जो है वो किसका है भाववाचक संज्ञा का है। भाववाचक संज्ञा अब देखो आप जब बोलोगे कि क्या बोलोगे सेवा की ऐसा बोलोगे कि सेवा किया बोलोगे हम क्या बोलेंगे सेवा की इसका मतलब शब्द किसका है ये स्त्रीलिंग का वचन कौन सा है एक वचन है और स्त्रीलिंग इसके अलावा आप लिख सकते हो कार्य क्या हो रहा है सेवा करने का हो रहा है कर्म कारक लिख सकते हो है ना। इस सामान्यतः आपको तीन परिचय दे रहे हैं किसी भी शब्द के एक दो वाक्य और लेते हैं पढ़ेंगे उसके बाद वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए
यहाँ अलग इसको दिए, यहाँ वे दोनों वे सब जो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, यानी कि वो सारे के सारे किसमें जाएंगे, अन्य पुरुष में जाएंगे, ध्यान रखना। संबंध में ऐसे लिखना है। अब अपन बात
पुरुष में क्या आएगा और उत्तम पुरुष में क्या आएगा। Yeah.